हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। आज की इस वीडियो के अंदर फोटोशॉप में आईज का कलर कैसे चेंज किया जाता है वो सीखेंगे। काफी शॉर्ट वीडियो है, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक आंखों की फ़ोटो यहाँ पे ऑलरेडी गूगल के ऊपर से डाउनलोड कर ली है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसको एडजस्टमेंट लेयर के अंदर जाना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। आप यहाँ से जो चाहे कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश कलर सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो ये मैंने ब्लूइश कलर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेयर मास्क भी अप्लाई हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इमेज मेनू के अंदर जाऊँगा, एडजस्टमेंट के अंदर जाऊँगा और इस वाले लेयर मास्क को मैं इन्वर्ट कर दूंगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई, आप सिंपली कंट्रोल आई प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वर्ट हो चुका है। देन आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको एक सॉफ्ट वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं यहाँ से छोटा साइज़ वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर से ब्रश कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे ये आँखों का कलर जो है चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप आपके हिसाब से साइज़ एडजस्टमेंट, ब्रश की साइज़ एडजस्टमेंट करके आप आँखों का कलर चेंज कर सकते हैं। देन मैं इस वाली के ऊपर भी सेम मेथड अप्लाई कर दूंगा। ओके जी, तो हमने दोनों भी आंखों का कलर चेंज कर दिया है। अगर आपको फिर से इसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है, यानी कि आंखों का कलर थोड़ा सा और चेंज करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ से ह्यू चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हो आप किस तरह से इसका आईज का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप सेचुरेशन चेंज कर सकते हो जैसे कि, और लाइटनेस और डार्कनेस यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आपके मुताबिक। ये रही फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। सेकंड मेथड के लिए हमको यहाँ पे सिंपली जाना है फिर से एडजस्टमेंट लेयर के अंदर और यहाँ पे एक सॉलिड कलर का लेयर ऐड करना है। मैं यहाँ पे फिर से ब्लू कलर का लेयर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। देन आपको सिंपली इसी वाले लेयर के अंदर जाना है, इसको सिलेक्ट करना है कलर को, और एडजस्टमेंट लेयर के अंदर आपको यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है फिर से लेयर मास्क के ऊपर और कंट्रोल आई प्रेस करना है, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके इन्वर्ट भी कर सकते हैं। और सिंपली आपको उसी मेथड को दोहराना है, सिंपल सॉफ्ट ब्रश लेना है और इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ, आपके हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो ये आईज़ का कलर चेंज हो गया है। और सिंपली आपको अगर फिर से अगर दूसरा कलर सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कलर चेंज करने को आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।